सो हे व्यूअर, वेलकम टू द व्लॉग। सो आज हमारे इस व्लॉग में डेली व्लॉग नहीं है, आज हमारे व्लॉग में बनने वाला है रोजमेरी वाटर। इस रेसिपी को ना मैंने 4 बार शूट करा होगा लेकिन मैंने आज तक डाला नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे घर पे इतना शोर मचा रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग रेसिपी को शूट करने देते नहीं है घर से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली रोजमेरी वाटर है क्या और इसके क्या बेनिफिट। गिरी गया, हाय लग गई, इस बार भी लगी रही थी। क्या बेनिफिट्स हैं? देखो यार, रोजमेरी वाटर ना बेसिकली आपके बालों को ठीक करने के लिए है, ग्रोथ के लिए है, और जिनको यार ये लगा लो थोड़ा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एलोपेशिया नाम की बीमारी में भी रोजमेरी इंग्रेडिएंट देखा जाता है, आयुर्वेदिक तेलों के अंदर भी ये रोजमेरी डाला जाता है। इसका पानी लोग अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे फलाने ढंगाना प्राइजेस में बेचते हैं, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने वाले हैं। मैंने रोजमेरी लीव्स अमेजोन से ऑर्डर करी थी, करना कुछ नहीं है, आओ व्लॉग में दिखाती हूँ। स्प्रे बॉटल होनी चाहिए आपके पास, मेरे पास एक प्लास्टिक वाली स्प्रे बॉटल है और मेरे पास एक कांच वाली स्प्रे बॉटल है। मैं कांच वाली स्प्रे बॉटल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेटर रहती है। पानी आप एक हफ्ते का ही स्टोर करके रख सकते हो, अगले हफ्ते के लिए आपको फिर से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक, चाहे तुम्हारे पास ग्लास वाला विसल है तो उसमें ले लो, मैंने तो यहाँ पे इसके अंदर ले लिया, क्या कहते हैं, चाय बनाने वाले बर्तन के अंदर पानी डाला है, इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। मीनवाइल अगर आप अपनी स्प्रे बॉटल यूज़ करते हो तो उसको धो लो, इसको हल्का सा सेमी बॉयल करते हो, सेमी बॉयल उससे नीचे थोड़ा काम कर लेते हो, हाँ थोड़ा गुनगुना हो जाए पानी, ठीक है। मैं एक बार अपनी स्प्रे बॉटल धो लेती हूँ और उसके बाद आपको धोती हूँ। शोर हो रहा है ना, मेरी कांच की बोतल धुल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पैकेट को खोलेंगे। ध्यान रखें प्लीज़ गीला चम्मच अंदर ना डालें, मेरी जैसी बेवकूफियाँ ना करें। अब देखो ये है रोजमेरी लीव्स, हमने कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से ना इसमें से, यार एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ माफ़ करना, बड़े प्यार से ना। देखो अगर आप एक बंदे के लिए बना रहे हो तो 3 स्पून्स विल बी इनफ, लेकिन अब हम 4 बंदों के लिए बना रहे हैं तो मैं कम से कम डालूँगी 8 चम्मच रोजमेरी लीव्स, सिर्फ ये 1 टीस्पून ही डालना है, भर भर के नहीं डालना, ठीक है, इनफ होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बन जाता है और एक हफ्ते के लिए बनना है। फिर मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे चम्मच अगर डालती हूँ इसके अंदर, इसको हम 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। 2 चम्मच वही ब्लॉक के चक्कर में, 3 चम्मच, 4 चम्मच। आप लोग बोलोगे हमें भी पता है कितने चम्मच आए हैं, 5। देखो मुझे तो 5 में भी बहुत मोर देन इनफ लग रहा है और मैं 6 ही डाल रही हूँ, मैं 8 भी नहीं डाल रही क्योंकि बहुत मोर देन इनफ हो गया। मम्मी मैंने नहीं देखी, अगर तेज़ गैस है तो 15 मिनट, मैंने तो इसको सिम पे कर देती हूँ, सिम पे करके छोड़ देती हूँ, अभी ना ये ब्राउन कर देगी कलर। बहुत सारे रीलों में ना रेड कलर दिखाया गया यार, वो ना फिल्टर लगा होता है और तुम्हें लगता है कि लाल कलर आएगा, लाल कलर नहीं होता, ब्राउनिश कलर ही आएगा, पड़े पड़े रेड हो जाता है। और अब हमारा देखो फिर भी इतना सारा पैकेट पड़ा, हमने ऑलरेडी बहुत बार लगा लिया, इससे हेयर फॉल बहुत कम होता है। मैं बेसिकली इस वजह से यूज़ करती हूँ, देखो मैं ना अभी काम की वजह से बहुत बिजी रहती हूँ और मैं फ्री होती हूँ रात के 9-10 बजे, और 9-10 बजे तो किसी ने भी मेरे लिए ब्यूटी पार्लर खोल के रखा हुआ है नहीं, और यहाँ पे कोई अर्बन क्लब वगैरह तो जो भी है ब्यूटी सर्विस वगैरह अवेलेबल होती नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम घर पे करना है। सो यहाँ पे अभी बन रहा है हमारा रोजमेरी वाटर, मैंने सिम पे छोड़ दिया है, अब मैं इसको बस बनने दूंगी, एक ब्राउन कलर आ जाएगा और ठंडा होने के बाद छान के मैं अपनी बॉटल्स में डाल दूंगी। कांच वाली बॉटल में जल्दी डाल दो, लेकिन प्लास्टिक वाली बॉटल में कभी भी गर्म मत डालना। मिलती हूँ आपको 15 मिनट बाद, 15 मिनट तक उसको पकते हुए क्या देखूंगी और टाइम लैप्स लगा के भी क्या छोड़ूंगी, तब तक मैं जा रही हूँ अपना दूसरा व्लॉग एडिट करने। गाइस देखो अपना 15 मिनट हो गया बॉइल होने, सिम पे भी ना इतना अच्छा बॉइल हो जाता है, जब मैं इसको ऑफ करूँगी इसका ब्राउन कलर अपने आप आ जाएगा। मैं हार्डली सिर्फ 2-3 मिनट आज थोड़ा फालतू बॉइल कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अगर मैं इसको थोड़ी देर के बाद इस गर्म पानी में भी छोड़ दूँगी ना 10-15 मिनट, जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक ये अपने कलर वगैरह सब कुछ छोड़ चुका होगा। सो ये है बहुत ईजी रेसिपी ऑफ मेकिंग रोजमेरी वाटर फॉर योर हेयर, और मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या क्लेम करते हैं, बट ठीक है मैंने इसको 3-4 बार यूज़ करा है, मुझे बेनिफिट दिखा है, मैं लेकिन कंसिस्टेंट यूज़ नहीं कर पा रही। हाँ मम्मा,
गाइस मेरे रोज मेरी वाटर रेडी। अब ये देखो ये कलर है, ये थोड़ा डार्क ही होगा और आज ही पड़े पड़े और डार्क हो जाएगा। ये कांच की बॉटल, ये वाली बॉटल नीचे जाएगी, ये वाली बॉटल भी नीचे जाएगी, ये वंशी का नंबर की बॉटल ये आरते में पहना था, ये वंशी का नीचे स्प्रे बॉटल में चेंज कर लेगी। मेरे पास एक ही बॉटल थी देने के लिए। सच्ची बताइयो रोज मेरी वाटर से बेनिफिट पड़ा था, देखो जो बनाए थे मैंने, देखो गाइस ये भी यूज़ करता है। ये है रोज़मेरी वाटर का रेसिपी और किस हिसाब से बनता है, क्या बेनिफिट है। किरित ने देखो मैंने बताया कि ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, फ्रेगनेंस है ऑफ कोर्स मेहंदी जैसी, हल्के हल्के फ्रेगनेंस है। जिसको मेहंदी की फ्रेगनेंस पसंद है तो लगा ले अपने सिर पे रात को। मैं इसको बता देती हूँ यूज़ कैसे करना है, रेसिपी तो बता दी। डेली रात को आपने अपने बालों में स्प्रे करके सोना है। बाल आपके ये लगा लो, आपका स्कैल्प ऑयली नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका स्कैल्प ऑयली हो जाएगा तो ऑयली वगैरह वाली कोई स्यापा चिप्पा नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। एन सारे सिरम ले आओ, 700, 800 के असर ही नहीं पड़ता, पर इसको यूज़ करो। डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस व्लॉग। भाई ने भी मेरे यूज़ करा है।